हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरा नाम है पूर्वी। तो बहुत दिनों से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी क्योंकि मैं अपने दोस्त के मोबाइल से ब्लॉग बनाती थी, तो अब वो घर चली गई और मैं भी अपने घर आ गई हूँ। तो चलो, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ हनी चिली पोटैटो, जो कि मुझे बहुत क्रेविंग्स हो रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ शेयर कर लूँ। तो पहले मैंने ये आलू को स्लाइस में काट लिया है, स्लाइस में कर लिया। पहले मैं इसको बॉईल करूँगी। मेरे पास जो जो इंग्रेडिएंट्स हैं मैं वही यूज़ करूँगी, क्योंकि मेरे पास कैप्सिकम भी नहीं है, ग्रीन चिल्ली सॉस नहीं है, मेरे पास सिर्फ सोया सॉस और टोमेटो केचप है। और मैंने ग्रीन चिल्ली को पेस्ट कर लिया है क्योंकि मेरे पास ग्रीन चिल्ली का सॉस नहीं है। तो चलिए मैं बॉईल करती हूँ पहले इसको। तो मैंने ये आलू को बॉईल करने के लिए रख दिया है, चला दिया है मैंने पैन पर। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल लूँगी। बस जो भी ऑयल अवेलेबल है वो डाल देना। इसको थोड़ा बॉईल करने के लिए मैं रख देती हूँ। इतना भी नहीं, मतलब थोड़ा सा ही, इतना भी नहीं करना है, इतना भी सॉफ्ट नहीं करना है, थोड़ा सा हल्का सा। तो मैंने केचप ले लिया है और इसमें ग्रीन चिल्ली, गार्लिक, जिंजर और ये ब्लैक पेपर। मेरे पास वो ब्लैक पेपर का पाउडर नहीं है तो मैंने उसको ये क्रश कर लिया है। तो ये सोया सॉस और ये हनी ले लिया है मैंने, और यहाँ पे अनियन ले लिया है, यहाँ पे चिली फ्लेक्स। मेरे पास जो जो है घर पे मैं वही डाल दे रही हूँ। और हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये कॉर्नफ्लोर, मेरे पास एक कॉर्नफ्लोर है तो मैं ये डाल दे रही हूँ। और ये मेरा आलू हो गया है बॉयल, इतना भी बॉयल नहीं करना है, अभी सॉफ्ट नहीं। अब मैं इसमें लगाऊंगी कॉर्नफ्लोर। मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड कर लिया है, पता नहीं हुआ कि नहीं, मेरी पहली बार कर रही हूँ, शायद हो गया है। इसको मैंने मिक्स कर लिया है अच्छे से और मैंने ये चला दिया है। अभी मैं इसको फ्राई करूँगी, पहले आलू को फ्राई करूँगी। अभी मैं डाल रही हूँ, फ्राई कर रहा हूँ। अब मेरा ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ। आप लोग यहाँ पे मैदा की जगह, आप लोग कौन फ्लोर की जगह आप लोग मैदा डाल सकते हो, या फिर राइस फ्लोर आपकी मर्जी। थोड़ा क्रिस्पी होता है इसका, जितना क्रिस्पी मेरा फ्रेंच फ्राइज हो गया है फ्राई करना। तो अभी मैं फिर से पैन गर्म कर रही हूँ, तेल डाल रही हूँ थोड़ा सा। ऑयल गर्म हो गया है, अब मैं डाल रही हूँ गार्लिक और जिंजर। और ब्लैक पेपर से हमने क्रश किया है। ये नमक मैंने बॉईल जब किया तभी डाला, तो इसलिए अभी ज़रूरत नहीं है। अभी मैं डालूँ चिली फ्लेक्स थोड़ा सा, और डाल रही हूँ केचप। केचप बहुत पसंद है, और केचप ज़्यादा डाल रही हूँ, डाल रही हूँ सोया सॉस। ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा सा डालना है, क्योंकि ज़्यादा डालने से इसका टेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आपको ज़्यादा पसंद नहीं है। अब मैं डाल रही हूँ हनी, क्योंकि ये हनी चिली पोटैटो है। हनी बाद में डालने से भी हो जाता है, जब आलू डालते हैं ना उसके बाद। इसको मिक्स करूँगी अच्छे से। मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर लिया है, इसको पानी के साथ थोड़ा मिक्स किया है, मैं इसको भी डाल रही हूँ अभी।
मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। चाहे आपके पास कुछ होना हो लेकिन टोमेटो केचप होने से मतलब बना सकते हो कुछ डाल के, अगर आपके पास कुछ नहीं आता है क्योंकि टोमेटो केचप टेस्ट को बैलेंस करते हैं। अगर आपके पास ग्रीन चिली सॉस होने से ज़्यादा टोमेटो केचप नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, मुझे पता है। फिलहाल को डालिए इसको सब थोड़ा सा रखेंगे जैसे टाइम अच्छा सी रहा। ओके हो गया है, मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। मेरा हनी चिली पोटैटो ये हो गया है। अगर आपके पास सेसमी सीड्स है तो आप डाल सकती हो, मेरे पास नहीं है तो मैंने नहीं डाला, तो ये मैं खा के देखती हूँ कैसे बने हैं। फ्रेंडली स्पीकिंग बहुत अच्छा बने। तो दोस्तों जाने से पहले मैं यही बोलना चाहूँगी आप लोग को, आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आप लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज़ प्लीज़। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।